अस्सलामु फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं और बच्चों का तरीका और बच्चों के प्राइज लाएंगे। मैं अभी बच्चों करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बच्चों कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। अभी मैं वजू करने लगी हूँ और आपको एक बात बता दूँ, वजू के लिए पानी में दया करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो जैसे जैसे आप वजू करते जाएंगे तो टैप बंद कर दीजिएगा, पानी ज्यादा ना ले हो। चलिए पानी खोल रही हूँ। आपके ध्यान रखना बैठ गए हाथ पे, वरना आपसे जितनी बच्ची नमाज पढ़ जाओ कभी कबूल हो। अब हम खुली करने लगे फ्रेंड्स। आपने अपनी उल्टे हाथ की छोटी उंगली से अपने नाक को भी साफ करना लाजमी है। अब हम टैप खोलेंगे और अपनी सूंड को साफ कर लेते हैं। अब हम करेंगे अपना फेस वॉश। फेस के लिए यहाँ तक खाली है, यहाँ तक नहा लो बस, उसने नहीं हुआ पूरा। वेरी गुड। ऐसे इसे यहाँ तक खाली पड़ जाता है वॉटर। अब ना अब हम बाजू करने लगे हैं। पहले सीधा बाजू धोने यहाँ तक और उल्टा बाजू भी यहाँ तक। तीन बार धोने लाजमी और आपने पूरा पानी है मेरा तो बहुत ही नीला फ्रेंड्स। आ रहे भैया आ रहा पर जरा सोखी ना करो फ्रेंड्स। अब हमने मसा करना होता है, उसके बाद हम मसा आपको करके दिखाते हैं। मसा यहाँ के सर के इस तरफ से ना, इस तरफ से जाके ना, और उसके बाद अपने कानों को साफ करने, उसके बाद आपका ये मसा पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स पांव भी तीन बार धोना होता है, शेयर भी ना होता है पांव। मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद आपने ग्लास में चीज जरूर करनी, अपने उंगलियों में ये करना क्योंकि मैं इनमें पानी चला जाए। अब आपको मैं वजू के फ़ायदे बता रही हूँ। वजू के फ़ायदे चार हैं और क्यों हैं अल्लाह के नस्बत की वजह से। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। चेहरा धोना, पोइंट्स में दोनों बाजू धोना, सिथाई सर का मसा करना, टक्नोस पे दोनों पाँव धोना। फ्रेंड्स आपको बताते हैं, अगर आपका वो जो एक बार जितना भी पहले बस नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तो सवाब नहीं होगा, सवाब नहीं होगा तो गुनाह होगा।